जी इमरान, क्या सवाल था आप? मेरा सवाल यही था कि किस तरह से हम मेरा एक सादा सा मसला ये है कि जो एकेडेमिया है उसमें काफी एफर्ट करनी पड़ती है, उसमें फिर आप एफर्ट करने के बाद भी आप उस तरह से कमा नहीं पाते हैं जिस तरह से कि यूजुअली एकेडेमिया के बाहर के लोग कमाते हैं। और जो एग्जिस्टिंग हमारा है एकेडेमिया के लोग उतना नहीं कमाते हैं जितना नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स कमा रहे होते हैं। तो कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है कि जिसे उनकी एफर्ट के मुताबिक उनको पे ऑफ मिले? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी आदमी दुनिया में ये कहता है कि मेरी एफर्ट के हिसाब से मुझे पैसे मिल गए हैं। वो तो एक नफसानी प्रॉब्लम है। बट जहाँ तक एकेडमिया और एंटरप्रेन्योर का ताल्लुक है, तो जो अच्छे टीचर्स हैं, जैसे आप हैं, एक वेल रेड, वेल डीप थिंकर इंसान हैं आप, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोगों को सिखा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आज क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें रूल्स ऑफ गेम चेंज हो रहे हैं, सो एजुकेशन इस वक्त टोटल रिफॉर्मेशन के टाइम से गुजर रही है, राइट? सो इंटरनेट की वजह से ह्यूज डिसरप्शन आ गया है। नॉलेज की कोई कीमत, वैल्यू जो थी कि जी आपको एक MIT की डिग्री 1 करोड़ रुपए साल की मिलती थी, या आपको इल्म 1 करोड़ साल का मिलता था, वो सारा MIT का, हार्वर्ड का जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ चार्ज दुनिया को अवेलेबल है और कोई भी उसको हासिल कर सकता है। वो डेमोक्रेटाइज हो गया, वो सबके लिए बराबर हो गया, इक्वलाइज हो गया। तो अब इस सिनेरियो के अंदर आप जो यूनिवर्सिटी का जो टोटल स्ट्रक्चर है दुनिया में वो चेंज हो रहा है, और यूनिवर्सिटियाँ 10 साल बाद क्या कर रही होंगी ये हमें नहीं मालूम। 2 साल पहले मैं वाइस कॉन्फ्रेंस में कतर में था, तो एक पैनल PhDs का बैठा हुआ था, 800 लोग सुनने वाले थे, सारे टीचर्स थे। एंड उसके अंदर एक सवाल जो होस्ट ने पूछा सारे पैनल को, कि सिवाय इसके कि लोग अपने लाइफ के पार्टनर को अपने यूनिवर्सिटी में ढूंढेंगे, उसके अलावा यूनिवर्सिटियां क्या कर रही होंगी 5 साल में? तो सब के सब हंसने लगे और सबके पास, किसी के पास ब्लैंक जवाब था कि इन जनरल द होल यूनिवर्सिटी प्रोसेस हैज़ टू बी रीडिजाइन, इज गोइंग टू बी रीट्रांसफॉर्म्ड, इज गोइंग टू चेंज। तो ये तो एक बॉटम लाइन है। अब हैविंग सेड दैट, लास्ट 4 ईयर्स में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, यूडेमी, ओडेसिटी, कोर्सेरा, एडेक्स, और इसके अलावा बेशुमार और प्लेटफॉर्म होंगे जो मुझे इस वक्त जहन में नहीं है। हमने खुद भी एक क्रिएट किया था उस्तानी.com के नाम से 8 साल पहले, 7 साल पहले। द पॉइंट हियर इज के आप एज अ पर्सन आज, अगर अब्दुल वली का एग्जाम्पल ले लें जो एक बिरयानी वाला था, और बिरयानी बनाते से उसने फोटोशॉप और वर्ड प्रेस और HTML इसके कोर्सेज लोगों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया, और फ्री में पढ़ाते के बाद वही एग्जैक्ट कोर्सेज जो फ्री में वो पढ़ा रहा था उठा के उसने यूडेमी पे और डिफरेंट जगह लगा दिए, एंड नाउ वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने उसके कोर्सेज खरीद के तमाम अपने प्रोफेशनल्स को दिए हैं कि जी ये आदमी जो बिरयानी बेचता था पाकिस्तानी, जिसने कभी जिंदगी में स्कूल कॉलेज नहीं गया, वो पढ़ाएगा सिंगापुरियों को। तो तालीम का मैार, तालीम का कॉन्सेप्ट, तालीम की डिग्री का कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड, इज चेंजिंग, इज गोइंग थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वेन एवर देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल, 100 साल पहले तेल जहाँ निकलता था जिस जमीन के ऊपर, वो जगह बर्बाद हो जाती थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी, लोग सर पकड़ के बैठ जाते थे, यार यहाँ तेल निकल रहा है। और एग्जैक्टली कुछ सालों के बाद जब गाड़ी आ गई, तो उस तेल की वैल्यू निकल आई और लोग करोड़पति अरबपति बन गए उसी तेल से, राइट? सो ये वो टाइम है, इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है कि जब आप या इमरान और इमरान जैसे दूसरे प्रोफेसर्स, चाहे वो स्कूल के टीचर हों, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों, वो अपने इल्म को इन जगहों पर जाकर अवेलेबल कर सकते हैं, और अवेलेबल करने के बाद उनको ये जो वेबसाइट्स हैं वो पैसे कमा के दे सकती हैं, कि वो अपने इल्म को शेयर भी कर रहे होंगे, और न कि सिर्फ इल्म को शेयर कर रहे होंगे बट के वो लोग, डिफरेंट लोग आके कोर्सेज लेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। दिस इज माई सजेशन टू एवरी वन, चाहे वो उर्दू, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, जो जबान उनको आती हो,
वो उसमें कोर्सेज बनाएं, जो उनको पढ़ाना आता है उसके कोर्सेज बनाएं और यूडेमी पे जाके लगा दें, कुछ कोर्सेज फ्री में लगा दें, अपना ब्रांड क्रिएट कर लें, अपने आप को ब्रांड कर लें कि आप मिसाल के तौर पे टोनी रॉबिन्स से अगर वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि आपसे पढ़ेंगे, तो वो टोनी रॉबिन्स $70,000 ले लेगा 2 दिन के, आपको कोई नहीं देगा अभी, क्योंकि आपको ही अभी वो ब्रांड की वो वैल्यू नहीं बनी। तो अगर आप आज ब्रांड बनाना शुरू करेंगे तो 20 साल बाद आप भी टोनी रॉबिन्स की जगह खड़े होंगे जी, आप भी लोगों से $70,000 2 दिन के डिमांड कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने 5 साल वेट कर लिया, तो अगेन ये जो प्रोसेस डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जा रहा है नॉलेज का, ऑनलाइन एजुकेशन का, उसकी भी सत्यानाश हो जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जिस तरह आज एक डिग्री की एज सच कोई वैल्यू नहीं रही है, नॉलेज की वैल्यू नहीं रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स और भी चीज़ें देती है, लेकिन नॉलेज जो है वो डेमोक्रेटाइज हो गई। बिल्कुल इसी तरह से ये इंटरनेट इसको डिसरप्ट कर देगा और 5 साल बाद हर एक पढ़ा रहा होगा ऑनलाइन। लेकिन मसला ये है कि आप आज इसको कैश करना शुरू करेंगे तो 5 साल में, आप 3 साल में, 5 साल में बहुत अच्छा पैसे कमा रहे होंगे। मेरा उस तो सबको यही सजेशन है कि गो स्टार्ट विद यूडेमी। जब आपका वही कोर्स बन जाए तो 5-10 जगह और लगा दें, 19-20 की चेंजेस करनी होती है, वही कोर्स आप मल्टीपल जगह पे पढ़ाना शुरू कर दें एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yeah, I got it actually, and I'm going to start this very soon, I hope. और आपने एक बात कही कि मैं यूडीमी पे नहीं पढ़ाना चाहता, मैं अपना प्लेटफॉर्म बना के, अपनी साइट बना के लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अगेन आपको मना करूंगा, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपकी एक एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर आमदनी है या रुपए में आमदनी है। जब तक आपकी आमदनी इतनी ना हो कि आप 2-3 हजार, $4,000 महीने का बचा लेते हो, आपको नया वेंचर स्टार्ट आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनके घर हों, बाहर हों, बाल बच्चे हों, उनको घर रोटी चलानी हो, मसाइल हो साथ में। एक बच्चा 22 साल का है, उसके अम्मा पापा के घर में रह रहा है, उसके को खर्चा नहीं है, तो वो एक अलग सिनारियो है। एक आपकी सिचुएशन के अंदर जब तक आप $10,000, $12,000 महीना नहीं बनाते, आई डोंट थिंक कि आपको अपना पोर्टल बनाना चाहिए, क्योंकि आपका फोकस खराब हो जाएगा, आपकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। वंस आपने यूडेमी पे कोर्स लगाया, कल वो बिकना शुरू हो जाएगा। आप अपनी साइट के ऊपर रॉकेट बनाना सिखा दें, कोई किसी को पता ही नहीं होगा आपकी साइट का। मुझे तो जैसे यूडेमी जैसी सैकड़ों साइटें होंगी, इफ नॉट मोर, मुझे तो नाम नहीं याद किसी का। कोको कोला जैसी 150 कोके और होंगी, मुझे तो नहीं नाम याद। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग रिक्वायर्स टाइम, पेशेंस, मनी। टिल दैट हैपेंस यू लेवरेज दैट, यू लेवरेज यूडेमी प्लेटफॉर्म जो हर रोज वहां पे आ रहे हैं। आप कहिए जी मैं गूगल पे सर्च नहीं करूंगा, पहले मैं अपना सर्च इंजन बनाऊंगा फिर उसके बाद मैं सर्च करूंगा। यस यू कैन डू इट, बट यू विल हैव टू वेट 5 years दैट पीपल स्टार्ट यूजिंग इट। सो इन योर केस आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड डोंट स्टार्ट योर प्लेटफॉर्म येट। 6 months फ्रॉम नाउ व्हेन यू हैव अ सस्टेनेबल इनकम, $10,000 आपको महीने का आना शुरू हो जाए, फिर आप जिस तरह लुटाए उन पैसों को आपके, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन मार्केटिंग विल टेक अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट्स वाई आई प्रीच ब्रांडिंग। अपने आप को ब्रांड कर लें, अपने आप को, अगर अगर आज आपकी 1 लाख लोगों की फॉलोइंग फेसबुक पे हो, तो कल आप पकौड़े बेचने शुरू करें तो बाहर लाइन लगी होगी। लेकिन मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी, आप इमरान बिरयानी खोलें और बेहतरीन दुनिया के बिरयानी या बर्गर भी बना के बेचना शुरू करें, बाहर कस्टमर नहीं आएगा। लेकिन आप मैकडोनल्ड खोलेंगे, बाहर कस्टमर पहले से खड़ा होगा, चाहे वो आप किधर भी खोल लें, पहले से कस्टमर खड़ा होगा। तो दैट इज टू डू नॉट विद द बर्गर क्वालिटी बट विद मैकडोनल्ड्स ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग हैज नथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। अगेन दिस इज, हैविंग सेड ऑल दिस, आई कुड बी 100% रॉन्ग, आई एम ओनली टेलिंग एंड शेयरिंग माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस। डजेंट मीन दिस इज यही है तरीका, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है। आई एम श्योर देर आर अदर वेज, अदर पीपल माइट एडवाइज यू अदरवाइज, बट एट दिस गिवन टाइम इन योर सिचुएशन दिस इज वॉट आई वुड एडवाइज। Yeah, I understand it basically.